तो हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली इंजन रिवील पार्ट वन में आप सबका स्वागत है। सारे चीज़ को अरेंज कर लिए, ये अरेंज करने से हमारे जो काम होता है ना थोड़ा इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सर पहले मैं दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से अरेंज किए हैं सारे सामान को बाइक के। सारे चीज़ जो होता है मेन पहले हमें अरेंज करना होता है, तो काम हमारे है ना आसान तरीके से हो जाता है। तो देख सकते हैं आप इंजन की जो अरेंज हमने किस तरह से कर रखी है, अलाइन करते हुए सारे सामान को रखे हैं। तो करते हैं इंजन रिवील की पार्ट की फिटिंग वन की। तो पहले हमें गियर बॉक्स बिठाना होता है, गियर बॉक्स बिठा देता हूँ किस तरह से दिखते हैं। जो होता है हमारा मेन केसिंग इंजन का यही होता है, मेन केसिंग जो कि है हमारी लेफ्ट साइड की क्रैंक केस ये वाली, ठीक है। तो ये वाली हमारी होगी राइट साइड के क्रैंक केस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन करके ले लिया है, ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से जितनी हमसे हो सके क्लीन करके मैंने ले लिया है। और अभी करता हूँ मैं फिटिंग। तो ये रहे हमारे गियर बॉक्स की जो मेन शाफ्ट, जो हमारी ये है ना, ये है हमारी मेन शाफ्ट, ठीक है। तो मेन शाफ्ट मैं कुछ मोटा मोटा बता देता हूँ। तो हमारी ये वाली तीत है ना, ये वाली 11 तीत की है, ये वाली 17 तीत की है, ये वाली है हमारी 21 तीत की है, 21 की ये वाली और ये वाली हमारी है 24। देखिए 24 21 17 11, ठीक है। ये वाली गियर की गाड़ी हमारी, ठीक है। अभी हम दिखाता हूँ मैं अभी काउंटर शाफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर शाफ्ट, ये वाली ना शायद दिख जाए कैमरे में। ये हमारी है काउंटर शाफ्ट वाली ना, ये हमारी 35 की, ये वाली 35 मजा नहीं रहा, 35 ये वाली है, 29 ये वाली है, 27 23। तो कैसे डिफाइन करें कि हमारी गियर कौन कौन सी है, कैसे पता करें? तो हमारे गियर ऐसे काम ऐसे बैठते हैं गियर बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे बैठते हैं हमारे गियर बॉक्स जो कि है हमारी ये वाली फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर, ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर गियर, ठीक है। तो ऐसे गियर तो ऐसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड गियर, लेकिन तीन गाड़ी मिल गया ना ये वाली, तब ये गियर कंप्लीट होते हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, तो तीन गाड़ी मिल गया ना तब एक गियर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आपने पता चल गया होगा आपको ना। तो अभी हमारी है वीडियो स्टार्ट, हमें स्टेप्स को पकड़ना है। एक तरफ एक यहाँ एक वाशर रहती है, एक यहाँ वाशर रहती है, ठीक है। हमें इस तरह से पकड़ना है इसको, ये वाली ना ग्लाइड की पत्ती होगी, ये वाली वाशर उठा के लेता हूँ, ये वाशर बाद में लगाने मिलेगी हमें। सॉरी, हमने क्लीन करके ले लिया, ये टॉवल में ले ली, और ऊपर से हमें बैरिंग करना जो होती है ना, ये बैरिंग पूरी सही है वाली बैरिंग, सर वो इन ऊपर के ले लिया। अभी हमें उठानी है गियर इसके, ये इसके गियर, तो ये वाली गियर की ये हमारी हो गई, ये वाली गियर, ये आपको मैंने अभी उठानी है हमें ये वाली सेटअप। इसको इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग गियर ड्रम, ये बोलते हैं गियर चेंजर या गियर फॉक, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ ऐसे मूव ऑन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अलाइन करते हुए अंदर तरफ लगाना, तो हमें इसको भी ऐसे पकड़ना है अलाइन करते हुए, ठीक है। इसके अंदर ऐसे मूव ऑन करना है, वाशर को ध्यान को रखते हुए इसके अंदर मूव ऑन करना है। तो ये वाली गियर हमारी गियर शाफ्ट और गियर ड्रम सारी चीज़ ऑलमोस्ट बैठ गई, जैसे अभी गियर हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारी क्रैंक केस हो गए लेफ्ट साइड के, वो वाले हो गए लेफ्ट, ये वाले हमारे लेफ्ट साइड के क्रैंक केस, इस वाले होंगे लेफ्ट साइड के। तो ये होता हमारा मेन क्रैंक, जो कि इसकी कनेक्टिव रोड हमने नहीं डलवा दी, और दोनों साइड की वायरिंग, ठीक है। तो इसको हम बिठा लेता हूँ, इसको हमें मैग्नेट की तरफ रखना है, इधर हमें क्लच की साइड रखना है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे प्रेस करते हुए अलाइन करते हुए बैरिंग की, इसकी बैरिंग ना स्प्लेंडर वालों की आराम से बैठ जाती है, इसे बैठा के लेता हूँ।
तो हमारे क्रेंक ऑलमोस्ट बैठ गया अभी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे रखना है, इसको झंडू थोड़ी काट बोल, ठीक है। अभी बैठा लिया, हमें डाउल लग गए, हमारे गेट ड्रम बैठ गए, गियर साफ्ट बैठ गए, काउंटर साफ्ट क्रेंक केस बैठ गए। अभी हमें बैठानी है इसकी गैस किट, ये इसकी गैस किट जो कि हीरो वालों की गैस किट है, ये अभी मैंने निकाला, 115 रुपये इसकी MRP है भाई। इसको ऐसे रखना है, ऐसे बैठा देना है इसको। मैंने थोड़ा गैस किट में दिस लगा दी क्योंकि हमारे जो गैस किट होता ना इधर उधर ही है ना, ठीक है। गैस किट हमारी बैठ गई, अभी हमें लगानी है इसकी, अभी हमें उठाने की वाली क्रेंक केस जो कि है हमारी राइट साइड के क्रेंक केस वाली। तो ये क्रेंक केस बिठाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता आपको, इसकी ना जो हमारी होती है ना ऑयल पंप की गराड़ी वो बिठा के लेता हूँ पहले मैं ना, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये बिठा के लेता हूँ मैं। तो इस वाली रोड को हमें इस तरफ को डालना है यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो बैठ गई, अभी हमें उठानी है ये वाली व्हील, हमारी व्हील लग गई वाली। बैठ गई वाली, ठीक है। पहले मैं करता हूँ उसको टाइट, मैंने लिए हमारे क्रेंक बैठ गई और ये वाली गियर और ओल्फम की गराड़ी और ये, ठीक है। और बैठानी अभी हमें किक साफ यहाँ सेट करने इसके अंदर किक साफ हमारे बैठ गए वाले, ठीक है। अभी बैठानी हमें ये वाली क्रेंक केस जो कि है हमारी राइट साइड की क्रेंक केस, जो कि राइट साइड की वाली क्रेंक केस। फाइनली बैठ गया हमारी, अभी हम करते हैं लगाते रहेंगे जल्दी जल्दी से। ना देखा दियर, तो हमें किस क्रॉस पैटर्न में टायर कर दिया। अभी हमें लगानी है क्लच की जो चैप्टर है वो सेटअप, ये वाली। तो ये वाली गियर पिन है जो हमने पहले बिठा के ले लिया, अभी हमें बिठानी है गियर साफ्टी वाली ना फटाफट से। पकड़िया तो पकड़िया, तो हमें किस क्रॉस पैटर्न में टायर कर दी। अभी हमें गियर साफ बिठा दिया हमने, अभी उठानी है वाली प्लेटें जो कि ऐसे बैठेंगे वो। ये वाली बैठ गई, अभी उठानी है ये वाली स्टार, अभी उठानी है टेनियम की नट, टेन करते हैं फुल टाइट। तो फाइनली टाइट होगी नट हमारी, तो अभी पता करनी है हमें गियर, हमारे गियर सही से पड़े नहीं पड़ रहे। तो अभी गियर में है, तो अभी हमें इसको घुमानी है, फर्स्ट गियर में अभी भी है। तो ये हमारे फर्स्ट गियर, जैसे हम करेंगे ना दूसरा गियर हो गया, तीसरा हाँ,
होती है तो न्यूट्रल की निशानी यहाँ होती है। अभी न्यूट्रल होगा अगर ये भी कैसे पता, अगर न्यूट्रल कैसे पता करनी है न्यूट्रल करना, ये वाली साफ नहीं होनी चाहिए तो गाड़ी होगा न्यूट्रल अच्छे थे ना, इसकी ठीक सामने होनी चाहिए तो सभी यहाँ टाइम लग पाती है तभी हमारी गाड़ी अभी हमारी किक नहीं घूमेगी टाइम पर। अब उठानी हमें वाली लोग सर की प्लायर खेल सकेंगे बिठाना होता है वाली तरीके से बैठा के वाली बैठ गई हमारी तो अभी उठानी हमें वाली वाशर जो भी क्लच है उसके बाद हम उठाने हैं ये वाली पहले हम प्राइमरी गेयर उठा लेते हैं यहाँ से ना हम ये वाली क्लच आउटर ये वाली बुश उठानी होती है बुश उठा के लेते हैं बस जगह क्यों बोले इतना जाम हो गया तो ये वाली बुश पर उठा कर लेता हूँ बुश बैठ गया हमारी और ये वाली क्लच बैठ गई ये उठानी हो ये वाली वाशर जो पतली वाली ठीक है वाली कट वाशर कट वाशर उठा के लेकर वाशर करके कट वाशर की कट वाशर हाँ बैठ गई फिर उठानी हाँ ये वाली कटोरी वाशर ये वाली कटोरी तरह कुछ दिखती है उसके बाद उठानी हाँ ये प्लेट स्टील प्लेट होगी इसको तो प्रेशर प्लेट कमारोगे प्रेस ये है हमारे क्लच प्लेट ये हमारे होगी स्टील प्लेट है ठीक है इसको हमें हिस्सा है इसके बाद रखना है प्लेट उसके बाद फिर से स्टील प्लेट फिर से क्लच प्लेट बैठ गई हमारी ठीक है। अब उठाने में ये वाली क्लच ये वाली इसकी यहाँ से उठाने वाले बैठ गई ठीक है। अभी हम इसको होल्ड करते हुए इसके अंदर अलाइन करते हुए इसके अंदर से उठाने में बैठ गई उठानी होगी वाली वाशर जो कि डॉट दिए हुए हैं इसको ऊपर तरफ रखना है ठीक है और इसके यहाँ लटका देना लग सकते बुढ़ी रोक हम इसको ना इसको ऐसे होल्ड यहाँ से करने टाइट पूरा फिलहाल से स्प्रिंग स्क्रीन सेट करना है इसके अंदर चारों ठीक है। और ये वाली प्लेटी कहाँ से कट बुलाए है ये प्लेटी यहाँ से टाइट करना होता है इसको बोल्ट को मैं टाइट कर लेता हूँ इसे भी हमें एकदम से टाइट नहीं करना है क्रिस करो इसको उसमें ये प्लेट क्रैक हो सकती है टूट सकता है तो पहले चेक कर लेता हूँ स्प्रिंग सही जगह से
टाइट हो गए, 4 बोल्ट अभी लगानी है हमारी आई, इसका दिन सेट करने से करते हैं। और ये वाली वाशर इसको बाहर कर रखना है, और वॉल पंप की प्लेट बैठा के लेने वाली फिर वोल्ट ऐड हो गया, अभी हम ढाने इसके अंदर बैरिंग। तो हमें यहाँ की जो ओरिंग होता निकाली, ओरिंग वहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम थी कलच के साइड से, कि ओरिंग नया डालना पड़ रहा है। ओरिंग बैठ गई भाई, इसके अंदर ऑयल लूप करके लेंगे थोड़ी सी ना, ऑयल स्प्रिंग इंसर्ट करने इसके अंदर ऐसे करके, उसके बाद इसको यहाँ इंसर्ट करने होता है। बैठ गई, और ये वाली बूस जो क्लच को चलाने का मुश्किल रहता है, ऑयल सील जो कि लीकेज की प्रॉब्लम ना आए कभी, इसके अंदर टेप करना है। तो चेक करना होता है इसके डाउल्स दोनों साइड के लगे हुए हैं, नहीं तो लगे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो इसको टेप करते हुए, अलाइन करते हुए सबसे पहले ये बोल्ट हमें यहाँ लगाना होता है, ये वाली तो आता है, ये वाली यहाँ बड़ी वाली, उसके बाद इसे तो ये टाइम थे यहाँ पर यहाँ बिठाने होता है इसे, टाइम इतने हमारी बिठ गई, अभी यहाँ पर बिठानी है इसके। ये वाली गैस्केट मैंने पहले बिठा लिया, दोनों डाउल्स गैस्केट, अभी बिठानी है हमें पिस्टन सर्किलिप क्रेन। तो हम पुराने वाले पिस्टन यूज कर रहे हैं अभी, सही है यार। तो इसको तो फाइनली बैठ गई हमारी है पिस्टन पिन, है कौन डाला है, पिस्टन पिन बैठ गई, अब हम करनी है
ऑयल से लूप पिस्टन को। तो ऑयल से प्लेट डिप कर लेता हूँ मैं पिस्टन रिंग को, जो कि हमारी पिस्टन रिंग कभी फंसे ना इसमें चले। जल्दी रखो ना पिस्टन रिंग, हमने नहीं डाल दी इसकी रिंग। तो अभी हमें इंसर्ट करनी है इसके अंदर ब्लॉक, ये इसकी है ब्लॉक। हटाते वक्त हाँ रिंग सुट कर, कोई नहीं आएगा। अभी करनी है हमें इंसर्ट इसके अंदर पिस्ट, करते हुए आते हैं। तो फाइनली कर दिया हमने इंसर्ट पिस्टन के अंदर ब्लॉक। तो इसके तरफ अभी टेप पहना अंदर, तो अभी टाइम चेंज को मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, टाइम चेंज ले ली बाहर यहाँ से, और टाइम चेंज बाहर तो ले ली हमने। और एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात चाहता है, ये वाली भी इसके अंदर इंसर्ट करनी है यहाँ ना, पहले बिठा लेता हूँ ना आराम से। तो पिस्टन को पहले मैं अंदर बाहर कर लेता हूँ इसे करके। फाइनली पिस्टन ब्लॉक के अंदर इंसर्ट हो गया। अभी मैं ये वाली गियर है ना, ये वाली टाइम चेंज की व्हील, यहाँ से इसके अंदर से बिठा के ले लेता हूँ। अभी नट बैठ गई वाली। ओके, अभी बारी आती है हमारी हेड उठाने की। तो हेड उठाने से पहले हमें ये डाउल इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये वाली। एक तो डाउल लगा हुआ था इसमें, अभी इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे ये वाली डाउल। ओके, इसके अंदर ये डाउल इंसर्ट करनी है। बैठ गई हमने, अभी बिठानी हमें ये वाली है। आगे दिखा, ऐसे दिखा इसके अंदर है। अभी ये वाली गैस की उठा के लेनी है हमें। और वहाँ से गैस की देखेगा भाई, वहाँ से उठ कर दो, यहाँ से उठा के लेता हूँ, ऐसे बैठेगा। तो फिर ये वाली गैस की बैठ गई है, अभी हमें उठानी है वाली प्लेटें, जो कि ये जो निशान देखी ना एग्जॉस्ट की तरफ, इसको हमें एग्जॉस्ट की तरफ नीचे की तरफ रखना है ऐसे करके। ठीक है, एलो बैठ गया। अभी हमें लगानी है ये वाली वाशर यहाँ, जो पित्तल की होती है, और बाकी के वाशर यहाँ तीन। एक वाशर सिर्फ अलग रहता है, बाकी तो सेम है तीनों। अभी हमें करनी है टाइट, दस करीब वाला भैया, अभी करनी है टाइट। और एक चीज़ में ये लगा लेता हूँ पहले ना, इसकी ये वाली नट बोल्ट दो लगा लेता हूँ, ये वाली नट टाइट करके, हल्के से टाइट करना है, टाइट हो गई ये वाली। अभी हम करनी है इसको टाइट, कस
तो अभी हमें हमारे लिए मेन हेड जो ब्लॉक थी सारी चीज़ें बैठ गई, अभी बिठानी है हमें ये वाली गैस की, में थोड़ा मैं ग्रीस लगा के लेता हूँ जल्दी से ना। अभी हमें इसके अंदर से बिठा के लेनी है यहाँ से ना, इसके अंदर ऐसे करके बिठा के लेनी है यहाँ से। अच्छा सुनो, चाहूँ जी स्टोव कर, और ये वाली ओवरिंग और दोनों ओवरिंग और साइड की होलसेल अभी बिठानी है हमें कोयल प्लेट। ओके, ये है हमारी गाड़ी की कोयल प्लेट। इसके अंदर क्लीन करके ले लेता हूँ, हमें करनी है इसके अंदर इंसर्ट टाइप से। ये वाली बैठ गई, अभी हम उठानी है इसकी स्क्रू, जो कि है इसकी स्क्रू दो है, दो रजा जितनी हो सके मैं टाइट होगी। और हमें लगानी है वाली न्यूट्रल वायर की तार, जो कि है हमारी गाड़ी की जो न्यूट्रल बता था ना, यही वायर की वजह से हमें आगे मीटर में लाइट दिखने को मिलता है। इसी वायर की हेल्प से हमें आगे जो न्यूट्रल की लाइट दिखती है ग्रीन कलर की, तो एक जो वायर बैठ गई हमारी, चलो ठीक है। अभी हम उठाएंगे इसकी मैग्नेट, जो कि है इसकी मैग्नेट, बैठा के ले लेता हूँ उसके मैग्नेट। ओके, अभी है लगाने इसके अंदर वाशर वाली, और ये है मैग्नेट की नट 14 नंबर का पड़ता है, होल्ड्स की वजह से हमें करनी है टाइट। कहीं तो ऑलमोस्ट टाइट हो गया हमारे 14 mm की बोल्ट ये वाली नट, सॉरी नट टाइट हो गया। अभी हमें करनी है इसकी टाइमिंग फिट, टाइमिंग जो कि हमारी गाड़ी की यहाँ लग जाएगी, ये कैमरा ऊपर उठा है शायद कैमरे में दिख जाए, ये जो टी दिख रही है ना, ये जो टी के पास यहाँ जो लाइन है ना, ये वाली एरो, ठीक है जो कट दिखी है ना यहाँ कट, इसके ठीक सामने होने चाहिए वाले निशान यहाँ, और वहाँ निशान ठीक सामने होने चाहिए, और ये जो दिख रही है ना 8 mm के स्क्रू के, ये यहाँ होनी चाहिए, तभी हमारी गाड़ी की टाइमिंग सही से लगेगी, तभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम या जो भी कह सकते हैं हम। अभी हमें लगानी है गाड़ी की टाइमिंग, ठीक, तो टाइमिंग कैसे लगानी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैग्नेट को यहाँ रखना होता है ठीक इसके सामने, यहाँ पे इस लकीर के सामने, यहाँ पे जो कट दिख रही है ना इसके ठीक सामने, और ये जो है ना एक नट को हमें इसके ठीक सामने लेनी चाहिए, या फिर यहाँ इसके सामने जो एरो बनी हुई है इधर, ठीक। अभी मैं टाइमिंग बिल को उठाता हूँ, ये वाली दूर रख जा, इसको यहाँ ये दिख रही है ना ये डॉट बनी हुई, दूर रख थोड़ा कमरा, ये है ना इसकी ठीक यहाँ सामने होनी चाहिए ये वाली निशान, ये डॉट और ये डॉट दिख रही है ना आपको, यहाँ ये दोनों आमने सामने होनी चाहिए, और यहाँ आमने सामने होनी चाहिए, तभी हमारी गाड़ी की टाइमिंग बड़ा प्रॉपर लग पाएगी, या स्टार्टिंग प्रॉब्लम या फिर स्टार्ट होगी गाड़ी, तो गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं सकता अगर ये चीज़ आपने अगर आउट कर दी ना, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, ठीक है। तो अब हमें सब चीज़ें ये बोल
8 नंबर की नट बोल्ट सेट करके लेता हूँ जल्दी से। स्टोकर मेन की जोकी वाले जिसमें है टाइमिंग पिस्टन हमारे टॉप पे है और ये भी यहाँ भी टॉप पे है। अभी करते हैं वाल एडजस्टमेंट जो कि हमें 5 एमएम पे रखनी है, तो इस पैनल की हेल्प से हमें करनी है इसकी वाल एडजस्टमेंट। क्योंकि टेंशन आड़ी ये वाली होती है ना, तो अभी चेन आपको लूज दिखे ना यहाँ से, तो सीधा ये लगाने के बाद ना चेन हमारी ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। तो अभी इसके अंदर इंसर्ट करनी है, ये रबर हमारी पुराने वाली है, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कल मार्केट निकलेंगे तभी हमें इसके अंदर ऐसे करके इंसर्ट करनी है। इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करनी है, तो फाइनली सारी चीज ऑलमोस्ट फिटिंग हो गई। अभी हम लगानी है यहाँ के कवर टॉप साइन करके ये वाली, इसकी हम पहले गैस की डालते हैं यहाँ से, ये वाली गैस की डालनी होती है। तो इसके अंदर ग्रीस लगाने से क्या फ़ायदा है कि कभी अगर बाई चांस हमें फिर से खुलना पड़ जाए बाय मिस्टेक, तो हमारे गैस किट ऑलमोस्ट सुरक्षित बाहर आ जाती है कहीं से टूटने की प्रॉब्लम। तो ये जो लिखी कट से होल से निशान दिखे तो इसके अंदर इंसर्ट होगा ऐसा करके। ओके ठीक है, अभी हमें लगानी है जो कि 10 एमएम की वाली सबसे वाशर वाली नंबर लंबी बोल्ट वाली ऐसे करके टाइट करके लेता हूँ मैं जल्दी से। तो मैं चेक कर लेता हूँ सही जगह पे बैठ रही हो, बिल्कुल सही जगह है, तो करता हूँ मैं फुल टाइट इसको। तो है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थी इंजन रिबिल्ड के ऊपर जो कि आपने देख रहा हो किस तरह से मैंने फिटिंग की। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए